ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी द्वारा स्वयं ब्लेस किए गए चैनल गुरुजी टुडे ब्लेसिंग्स में आपका स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाले बड़े मंदिर वाले प्यारे से गुरुजी के सत्संग और ब्लेसिंग संगत जी आप तक पहुंच सके। अपना सत्संग गुरुजी के प्यारे से चैनल पर अपलोड करवाने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो किसी भी फॉर्मेट में हमें भेज सकते हैं। जय गुरुजी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत प्यारा और ब्लेस सत्संग है। पूरा सत्संग वीडियो फॉर्मेट में, हाँ जी, पूरा सत्संग वीडियो फॉर्मेट में है। सत्संग को ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा और महसूस कीजिएगा और आपके एक बहुत प्यारे से सवाल का जवाब आपको इस सत्संग में मिलने वाला है। और ये सत्संग हमारे साथ शेयर किया है सूरत से रजनी सचदेवा आंटी जी ने। हाँ जी, सूरत से रजनी सचदेवा आंटी जी ने सत्संग हमारे साथ शेयर किया। मैं दिल से उनका शुक्राना करता हूँ कि उन्हें गुरु जी से आज्ञा लेकर गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर अपना सत्संग शेयर किया। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। दो मिनट और प्लीज उसको पीछे भेज दें। रजनी आंटी आप याद करेंगे। जय गुरु जी। प्लीज दो मिनट रितु आंटी, वो छोटा बच्चा है, वो केक लगा सकते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। सारी संगत को आयु को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी लख लख शुक्राना, आपने मुझे सत्संग से जोड़ा। मेरा हर पल हर मिनट मेरी हर मुश्किल का आसान करते हो। मेरी बेटी छोटी वाली यशवी जो गुरुजी की कृपा से दिल्ली पढ़ने गई, अभी छुट्टियों में आई थी, उसकी 30 तारीख की टिकट थी तो 29 को वो बोली, मम्मा मेरे को ना लेंस दोबारा बनवाने हैं, मैं भारती मैया हॉस्पिटल में जाके टेस्ट करवा के लेंस बनवाती हूँ, तो आप चलो कल की टिकट है, फिर आप सिमरन दीदी आएगी 15 तारीख को, आप उसके आप भिजवा देना। मैंने कहा ठीक है चल चलते हैं। वहां पहुंची तो उसकी आईज में एक ड्रॉप डाली, दो डाली, तीन डाली, चार डाली, पांच ड्रॉप डाली, उसके आंख में वो नंबर का जो आता है वो नहीं आ रहा था। तो फिर दूसरी डॉक्टर आई, उन्होंने देखा तो उन्होंने बोला कि आप है ना मजूरा गेट में एक आई स्पेशलिस्ट है, उनके पास जाओ तुरंत ही। तो मैंने पूछा क्या हुआ है, बोले आंख के जो पीछे वाली नस है ना उसमें सूजन दिखाई दे रही है। हाथों हाथ ही मैं उसी टाइम मजूरा गेट पहुंची, वो डॉक्टर के पास पहुंची, उसने पूरा टेस्ट किया, उसने बोला कि इसकी आंख की एक आंख में पीछे की जो पतली सी नस है जो ब्रेन से कनेक्टेड है ना उसमें सूजन है, तो आप एक काम करो MRI निकालवा लो। जब उसने बोला ना MRI निकलवा दो तो बच्चे का, फिर मैंने कहा ठीक है। आई मैं वापस, मैंने कहा यशवी तू फटाफट कांटेक्ट कर कहाँ पे जाए। हम सिविल में गए जहाँ गुरु जी की सेवा जाती है, देखो कहाँ पहुंचाया गुरु जी। यशवी एक दिन पहले रात को बोलती मम्मी डर लगा, मैंने कहा देख तू गुरु जी को मानती है ना, तो बस बोल गुरु जी आपने संभालना है। तो मैंने उसको बोला यशवी काम करते, बड़े मंदिर का जल है मेरे पास, वो मैं एक आई ड्रॉप में डालती हूँ और तू रात को सुबह और कल रात तक ना आइस में डाल। मैंने उसको वो ड्रॉप डाला ठंडा करके, कहती वो भी बड़ा दिमाग रिलैक्स लग रहा है। और वो आई स्पेशलिस्ट ने भी बोला कि आपको वॉमिट आती है, चक्कर आते हैं या सिर में, कहते मैम मेरे को तो कुछ नहीं हो रहा है ऐसा। फिर दूसरे दिन रात को सिविल में 10:30 बजे मुझे अपॉइंटमेंट मिला 30 तारीख को, जिस दिन उसकी ट्रेन थी, 31 की ट्रेन थी शायद 30 की थी मुझे याद नहीं आ रहा। तो वो बोली कि ना मैं कहा अभी यशवी क्या कहती है, मुझे तो जाना है कॉलेज, मेरे 1 तारीख से कॉलेज है। मैं गुरु जी अब मैं क्या करूँ, गुरु जी ने ऐसे प्रेरणा दी, उसके पापा बोले टिकट कैंसिल कराओ और अभी अपॉइंटमेंट लो। तो उसने 2-3 जगह पता करा तो सिविल में अपॉइंटमेंट जल्दी मिली। हाँ दूसरे दिन रात का मैं गई, कहती मम्मी कपड़े वपड़े सब चेंज करे, मैं बैठी, मैंने कहा यशवी अरे मम्मी डर तो लग रहा है, मैंने कहा गुरु जी को मानती है तो अंदर जाना और मंत्र जाप करना और गुरु जी को बोलना मैं आपकी गोदी में बैठू आपने संभालना है और फिंगर भी मत हिलाना। मैंने कहा यशवी मैं चलू अंदर, पापा को भेज दो, कहती हाँ पापा को भेज दो आप बाहर जाओ, आप बाहर बैठ के मंत्र जाप करो। मैं ठीक है, उसके पापा अंदर गए,
और वो अंदर पहले मंत्र जाप करती रही, फिर उसके बाद पता नहीं उसके दिमाग में क्या है, वो म्यूजिक अपने दिमाग में चलाने लग गई और पता भी नहीं चला, मतलब 11:15 गई, 11:05 में टाइम कैसे निकला होती थी मुझे नहीं पता। बाहर आई मैंने कहा यशवी कैसी है, क्योंकि मम्मी एकदम हल्का फील लग रहा था, कुछ ऐसा लगा नहीं मुझे, लेकिन गुरु जी की इच्छा है। अब दूसरे दिन वो रिपोर्ट हम 2 बजे लेके 4 बजे लेके जिस आईस डॉक्टर ने बोला था मैं वहां गई, रिपोर्ट दिखाई, जय गुरु जी, यशवी जय गुरु जी बोलो, हाँ मम्मा जय गुरु जी बोलो, डॉक्टर के पास पहुंचे, रिपोर्ट देखी, कहता है 100 में से जो 10% शक था ना इसके माइंड में, कोई ब्लड का कुछ होना वो कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक आंख की जो नस जाती है उसमें सूजन है, आप न्यूरो सर्जन के पास जो दिमाग वाले वो ही दवाई देगा, मैं नहीं दे सकता, तो उसको ओसीडी वो पीरियड का प्रॉब्लम है, तो वो जो जेंट्स डॉक्टर उसकी वाइफ भी लेडी डॉक्टर है, उसने उससे कंसल्ट करा कि पीरियड में आता था इसकी वजह से तो कुछ नहीं हो रहा, पेट उसका बढ़ रहा था यशु का, उसने बोला ऐसा कुछ नहीं है। फिर हमने लूथरा डॉक्टर करके है इधर अठवा लाइन पे वहां पहुंचे, मैं गुरु जी देखो मैं आ गई हूँ, वो अंदर डॉक्टर दिख रही है ना, आप वहां गद्दी पे बैठ जाना, वहां बैठे वो डॉक्टर इतनी पोलाइटली इतने अच्छे से बात करी मेरी बेटी के साथ, मेरे साथ, मेरे हस्बैंड के साथ, उसने बोला कि अगर तू वेट नहीं घटाएगी ना तो तेरी कमर में से पानी निकाल के टेस्ट करना पड़ेगा, बोल तुझे वेट घटाना है, ऐसे जोर से बोली कि क्या करना है, तो मैंने कहा डॉक्टर को, मैंने कहा डॉक्टर साहब ऐसे मत बोलिए, बोले इसको खाली अभी आधी गोली खानी है और साल भर तक खानी, जैसे इसका वेट घटेगा ना ये गोली बंद हो जाएगी, जय गुरु जी। मैंने कहा गुरु जी शुक्राना शुक्राना, मैंने कहा यश भी अभी क्या करने का, मम्मी आप इसको चिंता मत करो, मुझे बस जाने दो यहाँ से, मैं अपना डाइट चार्ट फूड करूंगी, खुद संभालूंगी, मैं गुरु जी जाना है इसमें। गुरु जी ने मेरे हस्बैंड को प्रेरणा दी, सुबह 4 बजे गए लाइन में लगे, तत्काल में टिकट कराई, 10 बजे घर आए, सैटरडे की टिकट मिली रात की, मैं गुरु जी को जल डाल के उसके आंख में डाल के उसको ड्रॉप दी, उधर यश भी ये तू रोज डालना और रोज मंत्र जाप करना, और जैसे तेरे जब दीदी पहुंचेगी ना सबसे पहले बड़े मंदिर जाना, शुक्राना करना। बोले हाँ मम्मा बिल्कुल ठीक है, लेकिन कल वो बैठी थोड़ी उदास थी, बता गुरु जी साथ थे। तो आप सबसे संगत बोलते संगत की प्रेयर जरूर लगती है, तो आप सबसे हाथ जोड़ के गुरु जी क्या हाथ जोड़ के पीती है, मेरी बेटी का एक बार जल्दी ठीक हो जाए, और जो सूजन है वो जल्दी ठीक है। वो डॉक्टर क्या बोले, तुम क्या पढ़ रही हो, बोले मैं बीकॉम प्लस LLB वो कर रही हूँ, वकील का LLB बोलते ना, तो उसके लिए तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा, समझ में आया ना। फिर बड़े प्यार से हंसके बोली तुम बहुत अच्छी हो, अपना ध्यान रखना। जब उसने ऐसे बोला और बहुत ऐसे लग रहा था सच साक्षात गुरु जी आके उस लेडी के अंदर बैठे हुए, गुरु जी शुक्राना हर मिनट का शुक्राना, बस ऐसी सारी संगत पे और सबकी संगत के बच्चों पे पति पे सब पे कृपा करना, लख लख शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना।